तो पिलामाने लास्ट क्लास में तुमको जमी कही आज आम क्या विषय पढ़िया लवण विषय में एसिड बेस आउ सॉल्ट तीन टा जिनस अच्छा चैप्टर में एसिड बेस विषय में लास्ट दुटा क्लास में बहुत सुंदर भाव डिस्कसन करछे। आज आम टॉपिक है सॉल्ट बा लवण किंतु से पूर्व मुझे कम करी मुझक लास्ट क्लास में जहाँ पढ़े तापर किसी क्वेश्चन कहीदे से क्वेश्चन टी बुक रु प्राक्ट करदेव। तो फास्ट क्वेश्चन है फास्ट क्वेश्चन आमर आस ना डाइल्यूशन बा जोड़ा आम कहू लघुकरण ठीक अच्छे। तो यहाँ मुझे पूरा ठीक से पढ़े मनस्थ लघुकरण मैंने कौन पढ़े थी घर डाली मामा बनाऊ डाली आउ हॉस्टल हो डाली एग्जाम्पलटा देखिए मन थी तुम तो सहीटा को एग्जाम पढ़ले डाली एग्जाम्पल दब कि डाली विषय लिख कि सेम एग्जाम है तो सैटा टी बुक रु पढ़ीदेव लघुकरण बा डाइल्यूशन कहले कौन ओके। तो ये दुईटा जिनस आसे गोटे हूँ कनसनट्रेटेड एसिड गोटे हूँ डायल्यूटेड एसिड मैंने गाढ़ अम्ल आ लघु अम्ल से विषय भी टे पढ़देव। तापर आउ गोटे क्वेश्चन कौन दुईटा जिनस भितर पार्थक्य दर्शा लिख गोटे हूँ सबल अम्ल आ दुर्बल अम्ल सबल अम्ल वर्सेस दुर्बल अम्ल ये पार्थक्यटा पढ़ीदेव यार कौन ना पार्थक्य आसपे कि डायरेक्ट आसपे सबल अम्ल कौन तार एग्जाम्पल दि दुर्बल अम्ल कौन तार एग्जाम्पल दि एमती भी आसपे। तापर आउ गोटे जिनस है आमर कौन ना आल्काली आउ बेस जोटा कहते क्षार आउ क्षारक या भितर डिफरेन्स आल्काली वर्सेस बेस यार भी सेमती पार्थक्य दर्शा आसपे कि पचारिपे कि यार डेफिनेसन लिख आउ यार एग्जाम्पल दि सेमती भी आसपे। लास्ट आसो कौन ना आमर पीएच विषय पीएच विषय सेमती एक्जाक्टली पर्टिकुलर कौ क्वेश्चन आसो सैटा कहीहबन यूर टू मार्क क्वेश्चन आसपे सर्ट कनसेप्ट कि भी आसपे से पीएच टॉपिकटा जो भी बुक्रे जो मुझे देखा कि गोटे स्केल चित्र देखिए पीएच विषय कही पोर्सनटा पूरा भलसे पढ़ीदेव कहीं सब बुझे आउ मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे लाइक पीएच वार्ड कौर आस गए पावर बोली गोटे शब्द अच्छे पोटेन्स से पीएच वार्ड एमती किसी छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे सैटा तुम निजे पढ़ की आराम से कर तो ये टॉपिक टे पढ़ देव एवं चल आम जा सॉल्ट बा लवण पाखक ओके ओडिया कहले लवण। तो यहाँ केमी हुए ना यहाँ गोटे प्रतिक्रिया तैयार हुए आमर गोटे प्रकार प्रतिक्रिया अच्छे देख आम चैप्टर ना बहुत सारा प्रतिक्रिया पढ़िया। तो ये फास्ट प्रतिक्रिया आमर आसीगला कि गोटे एसिड जो बड़े बेस सह प्रतिक्रिया करमर कौन सृष्टि हम एबे प्रतिक्रिया विषय पढ़िया आगे आम ये टाइप आहरी बहुत सारा प्रतिक्रिया पढ़िया लाइक एसिड जो गोटे धातु सह प्रतिक्रिया कर बेस जो गोटे अधातु सह प्रतिक्रिया कर एमती बहुत सारा प्रतिक्रिया अच्छे यहाँ आम फास्ट प्रतिक्रिया पढ़ुचे एसिड बेस सह प्रतिक्रिया कले कौन हम ये प्रतिक्रिया कहती इंग्लीश कहते न्यूट्रालाइजेशन न्यूट्रालाइजेशन आड़िया कहले कौन प्रशमनीकरण प्रशमनीकरण सियोर नो कि ओडिया तार बनाना ठीक लिखिला ना बोधे छाड़ ठीक अच्छे बुक्रु देखीद ओके। तो ताले रिएक्शन कौन हुए से विषय टी चिंता कर देख एसिड आ बेस रिएक्शन करसीड बेस रिएक्शन कर जलीय द्रवण रिएक्शन करभीयसली कहना जमी मुझ लास्ट क्लास में कही जदि तुम ड्राए एसीड को कौन रिएक्शन कर एसीड प्रपर्ट शो ही करनी कहीं जेहतु एच प्लस एन सृष्टि हो पार तो जदि से एसीडटा को धर्मी आम पाखे गोटे एसीड अच्छे से एसीड्र जलीय द्रवण आम नहींचे तेल कौन आसवता भितरू कह गोटे एच प्लस आयन आसमती हेल्ले भी ता सहित आउ गोटे आनायन आस नेगेटिव आयन भी गोटे आसना तो से आनायनटा को धर मु ए माइनस लिखुची ए माइनसटा ए माइनसटा कौन ना जेकोसी गोटे आनायन यहाँ फर एक्जाम्पल धर हाइड्रोक्लोरिक एसीड नहींचे से कौन आसो एच प्लस आयन आसो आनायन पार्ट्रे आसो क्लोराइड आयन सल्फ्यूरिक एसीड ने सल्फेट आयन आसो ए टाइप्र यदि बेस नौचे जेकोसी गोटे बेस नौचे तार आक्य सल्यूशन से कौन बाहर ना ओएच माइनस आयन बाहर बेस्रु आउ जेकोसी गोटे काटायन बाहर यटा को मुझे सी प्लस लिखुची काटायन फर एक्जाम्पल धर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं छ तो ताल से ओएच माइनस आसो आ सोडियम आयनटा एन ए प्लस आयनटा आसो से अच्छा अब जो दुज परस्पर सह प्रतिक्रिया करेंगे कौन हम देख आमर किए किए अच्छा भितर गोटे एच प्लस आयन गोटे ओएच माइनस आयन तापर गोटे जेकोसी गोटे आनायन जेकोसी गोटे काटायन तो ये कौन हम ना जो आनायन आउ काटायन ये दुजन जाक कंबाइन करजे देख ये आनायन रे ये काटायन रे दुज जाक कंबाइन करजे आने गोटे जौगिक बनइबे सी ए बोली लिखुचे यहाँ कौन पाई ना सीटा काटायन अच्छी ना तो ये गोटे जौगिक बनइबे यही जौगिक गोटू आम कह लवण बा सॉल्ट
या सहित ये प्रतिक्रिया आउ किए बाहर आउट जिनस बाहर एपटे एच प्लस आउ ओएच माइनस आयन रि रहा ना तो से लवण बाहर सहित ये जो एच प्लस आउ ओएच माइनस आयन रे से भी परस्पर सह कंबाइन होते और से गोटे जल अणु सृष्टि करेंगे बुझेगा बोल से यार गोटे एक्जामपल नहीं जा तो ये रिएक्शन टा लिखी दूसरी आमर कौन हम ना एसिड प्लस बेस रिएक्शन कले आम आस ना सॉल्ट आउ वाटर यू तुम ओडिया भी लिखिपार अम्ल प्लस क्षार बाहर लवण आउ जल अच्छा गोटे एग्जांपल नवा धर्म एसिड जेकोसी गोटे एसिड नवा एवं जो एग्जांपल नहीं कौन नहीं एचसीएल आउ सोडियम क्लोराइड ए एचसीएल आउ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आम एसिड गोटे एसिड नवा किए एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गोटे एसिड गोटे बेस एग्जांपल नियो किए सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा यूर जापार तो यहाँ एसीड आई बेस कम हम कम ये एच प्लस आयन दब एच सी एल एच प्लस आयन और क्लोराइड आयन ठीक सेमती सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहा एन ए प्लस आयन दब ओ एच माइनस आयन दब ओएच आयन मैंने ओ एच माइनस आयन मैंने हाइड्रोक्साइड आयन से इंपोर्टां तो जितेबाला ये दुज कंबाइन करेंगे तो तुम्हें कौन देख ना एसीड्र गोटे एच प्लस तो रभीयसली तो तार आनायन सैड्रे किए अच्छे तो ये एच सी एल रनायन सैड्रे किए अच्छे एच सी एल जो आनायन सैड आक्यूस लिखुची एच प्लस और सहित रे क्लोराइड ठीक सेमती एन ओ एच जो रहा भितर किए किए अच्छे ना आमर सोडियम आयन अच्छी एन ए प्लस सोडियम आयन सहित हाइड्रोक्साइड तो ये किए किए कंबाइन करेंगे आम एच प्लस आउ ओ एच माइनस से मैंने वाटर बनईदे बाकी रे किए एन ए प्लस रहा आउ सी एल माइनस रहा तो एम मिसिकी बनइबे एन ए सी एल लवण ठीक अच्छे तो ये फाइनाल आंसरटा लिखिद एच सी एल प्लस एन ए एच बनब आम कौन एन ए सी एल प्लस एच टू ओ ठीक से धर मैं आउ गए एग्जांपल लिखी कौन लिखा ओके आमर नहीं जा पोटासीयम हाइड्रोक्साइड से मिसेबी से क्या मिसेवा ओके सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसिड तेल टिके वीडियो पॉज कर आ निजे भाव फास्ट कौन हम निजे टे भाव पड़ो सेम सब ये टीपी देखे कमी हम निजे भी भाव ना ओके तो कौन करवा पॉज कर भाविल आग एवं देख मो सा आंसर मैच करना ना के जो रहा से काटर्णटा आसो कौन के प्लस एच टू एसओ फोर जो रहा से आनायन किए आस सल्फेट आयन एसओ फोर टू माइनस तो ये के प्लस आउ सल्फेट आयन पोटासीयम आउ सल्फेट ये दुज मिसले कौन बाहर तुम भाव यू बाहर के एसओ फोर के एसओ फोर हम नहीं के टू एसओ फोर हम कौन पर के टू एसओ फोर हम फास्ट चैप्टर में मुझे पूरा भलसे पढ़े से तो मुझे मूल रू कौन जब फास्ट चैप्टर तुम ढिला अच्छे टी ये चैप्टर बहुत प्रोब्लेम हम खाली ये चैप्टर ना आगे सब चैप्टर प्रोब्लेम हम तो फास्ट चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट तो ये आम जो सल्ट आसो के टू एसओ फोर या ना कौन हो पोटासीयम सल्फेट पोटासीयम सल्फेट या सहित आसो वाटर वाटरटा सब थे आसू थ कौन पाई ना एसीड्रे आम एच प्लस आयन अच्छी आ बेस्रे ओएच माइनस आयन अच्छी तो वाटर ऑब्वियसली सब केस रे आसो ओके ठीक सेमती आउ गोटे एग्जांपल मुझे देपरि तुमको गोटे वीक एसीड नहीं जाऊँगी धर आम रहा एसीटिक एसीड सी एच थ्री सी ओ एच एटा कौन एसीटिक एसीड एसीटिक एसीड एथेरे धर मुशी आमर सोडियम हाइड्रोक्साइड ताले कौन दबो सोडियम हाइड्रोक्साइड रु ऑब्वियसली आमर कैटन के आसो एन ए प्लस आयन आसो एथ्रु आनायन टा किए आसो एटा भी मुझे लास्ट क्लास बोलते फास्ट क्लास कही कहते एसीटेट आयन सी एच थ्री सी ओ माइनस गोटा कहते को आयन एसीटेट आयन एसीटेट आयन तो ताहले एठी एसीटेट आयन आउ सोडियम आयन आम कंबाइन करेंगे तो आम सॉल्ट टाइट किए आस सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए यार ना कौन कह आम यार ना हूँ सोडियम सोडियम एसीटेट ठीक से फॉर्मिक एसिड सह रिएक्शन कर सोडियम फॉर्मेट भी बाहर करके सहित एच टू तो मुझे कर समस्त क्लीयर हो गला किमी एसीड आ बेस रिएक्शन करी आमर गोटे सल्ट बनाऊँ ता सहित व्टर बनाऊँ तो ये मो क्वेश्चन है जो सल्टा बाहर यार पीएच के
कहीं ना तुम आम पूर्व क्लास रे पढ़ी थे कि जो एसिड थाए पीएच अक्सर लिख दौर तो एसिड रो पीएच केते थाए एसिड रो पीएच टा हमरा 7 रो कम थाए ठीक से बेस रो जो पीएच थाए सेटा सब 7 रो अधिक आसो तो ताल तुम देखियो कि अच्छा सॉल्टा बनुची केमती एसिड आ बेस मिसिक सॉल्ट बनुची माने एसिड आउ एसिड रो जो एसिडिक नेचर अछि बेस रो जो बेसिक नेचर अछि एटा ईच अदर को कैंसिल कर दउ छेंती तो जो सॉल्ट आसुची सेटा ऑब्वियसली गोटे न्यूट्रल जिंसटा आसीबो तो जो सॉल्ट रो पीएच रहइबो सेटा इक्वल हो 7 चाहिए किंतु पिला माने एटा सब बळे ट्रू हबनी ऑलमोस्ट माने मैक्सिमम केस रे सॉल्ट रो पीएच टा 7 आसीबो फॉर एग्जांपल जदि हम एठी देखिबा जो एग्जांपल रे नेले HCl आउ NaOH मिसै छै तो HCl रे हमरो H+ आयन जति कासिबो NaOH रो OH- जति कासिबो से सब परस्पर को कैंसिल कर दे मान तांकर एसिड नेचर आ बेस नेचर परस्पर को कैंसिल कर देला फाइनली जो प्रोडक्ट आसिबो हडा न्यूट्रल प्रोडक्ट ना एसिड ना बेस से पई NaCl रो जो पीएच आसिबो एडा 7 आसिबो तो ठीक सेमिति पोटेशियम सल्फेट सेई केस रे भी से हबो पोटेशियम रो एसिडिक नेचर आ सल्फ्यूरिक एसिड यार बेसिक भूल कहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रो बेसिक नेचर सल्फ्यूरिक एसिड रो एसिडिक नेचर परस्पर को कैंसिल कर देबे पोटेशियम सल्फेट आसला न्यूट्रल किंतु एई केस रे गोटे ट्विस्ट अछि जो सेकंड एग्जांपल टा नेली मु सोडियम एसिटिक एसिड आ सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन पई ना देखो एठी सोडियम हाइड्रोक्साइड होउछि गोटे स्ट्रांग बेस कोटे स्ट्रांग बेस कोटे वीक बेस लास्ट क्लास रे बुझै छी सोडियम हाइड्रोक्साइड एठी हला स्ट्रांग बेस किंतु जो एसिटिक एसिड एटा होउछि गोटे वीक एसिड माने एठी गोटे स्ट्रांग एसिड गोटे वीक स्ट्रांग बेस गोटे वीक एसिड संगे रिएक्शन करछि त एई जगह रे गोटे ट्विस्ट रहइबो से सेही जिंसटा को हम टिके भल से देखिया पडियो जदि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रिएक्शन करूछि ताहले हमर किछि प्रॉब्लम नै स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस यदि एमती रिएक्शन कला ताहले किछि प्रॉब्लम नै हमर जो सॉल्ट आसीबो तार पीएच रहइबो 7 न्यूट्रल सॉल्ट सेटा को हम न्यूट्रल सॉल्ट बोली कहिया ठीक सेमिति जदि वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन करछि ताहले भी किछि प्रॉब्लम नै वीक एसिड प्लस वीक बेस सेथर भी किसी प्रॉब्लम नहीं हमारा न्यूट्रल सॉल्ट आसीबो पीएच होचे 7 सेटा भी न्यूट्रल ट्विस्ट कोठी अछि ना जोठी गोटे स्ट्रांग थिवो गोटे वीक थिवो तो सेठी कोन हबो ना जे स्ट्रांग अछि तार दबदबा टिक अधिक रहइबो फॉर एग्जांपल मु नो छि स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस तो स्ट्रांग एसिड माने कौन से बहुत सारा एच प्लस आयन बाहर करदेव वीक बेस माने से अल्प किछ ओएच माइनस बाहर करथिव तो एठी जो एसिडिक नेचर थिव सेटा पूरा कैंसल हो पारिबनी जेहेतु बेसटा हमरो एठी वीक अछि तो एठी जो सॉल्ट आसीव से सॉल्टटा टिके एसिडिक नेचर रो रहइबो माने जदियो सेटा को हम सॉल्ट कहिया किंतु से सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट न सेटा टिके एसिडिक सॉल्ट माने टिके अम्लीय सॉल्ट और तारो पीएचटा हमारे 7 रो कम आसो कौन पाई ना से सॉल्टटा जो थ्रू बनिया है से एसिडटा स्ट्रांग अच्छे ठीक सेमती जदि मु वीक बेस नौ वीक एसिड नेली आउ स्ट्रांग बेस नेली ए स्ट्रांग एसिड कौन कौच वीक बेस ए वीक एसिड स्ट्रांग बेस ओके तो एठी जो सॉल्ट आसो कौन हम ना ये टी बेसिक नेचर रहा कौन पाई ना बेसटा स्ट्रांग अच्छे तो यार पीएचटा 7 रो टिके अधिक रहइबो तो आमे गोटे एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल देखि जानिया कि माने को सॉल्ट रो पीएच 7 रहउछि कोडा 7 रो कम कोडा 7 रो अधिक तो एग्जाम्पल जानिया गले आमे कोन करिबा ना आगो हमकु भाबिया पडिबो सेही सॉल्टटा आसीछि केमिति माने को एसिड आ को बेस मिसि के से सॉल्टटा बाहरछि सेटा जानि देला माने आम काम होइ गला तो बुक रे किछि एग्जाम्पल अछि आमे से बुक एग्जाम्पल डा गहि करिबा एटी देखि परथियो तमे बुक रे फर्स्ट एग्जाम्पल हमर अछि पोटासीयम सल्फेट ये देखु तो पोटासीयम सल्फेट तो आम कले ना हो आउ थे करदे पोटासीयम सल्फेटा कौन हम तो पोटासीयम सल्फेट जदि आम नौचे एक्जामपल पोटासीयम सल्फेट रुम फर्मूला जाना दरकार सल्फेट मैंने सल्फेट आयन कौन पोटासीयम आयन कौन से सब फास्ट चैप्टर अति सुंदर भाव सारी देखिए तुम कम तो यहाँ आसला केमी देख यहाँ आसी के प्लस आयन आउ सल्फेट आयन रु तो चिंता करो के प्लस आयन को नहीं कि तुम्हें कौन बेस बन पार ना के प्लस आयन माने सेटा ही जीवो के ओ एच मैंने गोटे ओ एच माइनस आयन खाली लगे दिव बास कम हो गला आउ तापरे
जो एसओ फोर आयन रु एसओ फोर टू माइनस आयन रु कौन हो पार एच टू एसओ फोर ये दुटाक मिसिक आम सल्टा बनई कह कि के जोटा रहा से विक् बेस ना स्ट्रंग बेस बेस एटा स्ट्रंग बेस एटा पूर्व क्लास पढ़ीचे एच टू एसओ फोर टा कौन एटा भी गोटे स्ट्रंग एसिड तो ये जो के टू एसओ फोर आसला यहाँ कौन ना न्यूट्रल सल्ट आम रहा ना दुटा जाक जिनस यार स्ट्रंग अच्छे न्यूट्रल सल्ट ओके तो आउ कौन एग्जांपल अच्छे देखा सेकेंड एग्जांपल अच्छे सोडियम सल्फेट तो मैं एट करदे आपट को नबानी सोडियम सल्फेट मैंने एन ए टू एसओ फोर तो एथेर किए मिशिंट सोडियम हाइड्रोक्साइड आउ सल्फेट मैंने एच टू एसओ फोर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रंग एच टू एसओ फोर भी स्ट्रंग तो ताहले ये जो सोडियम सल्फेट यार नेचरटा कौन रहा न्यूट्रल एग्जैक्टली सेमती तुम चेक कर पार कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट आउ सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट ये समस्ते आम न्यूट्रल सल्ट ही है कौन पाई समस्ते स्ट्रंग एसिड आउ स्ट्रंग बेस्र रिएक्शन बाहर कि जो सोडियम कार्बोनेट रहा ये टी आम चेक करवा कि सोडियम कार्बोनेटा कौन हो सोडियम कार्बोनेट मैंने एन ए टू सीओ थ्री अच्छा यहाँ चेक कल सोडियम कार्बोनेट को को आयन अच्छे या भितर ना गोटे सोडियम आयन अच्छी और कार्बोनेट आयन अच्छी सीओ थ्री टू माइनस कार्बोनेट आयन विषय भी हम फर्स्ट क्लास पूर्व चैप्टर पढ़ीजे अच्छा तो सोडियम आयन मैंने से बेस किए रोच सोडियम हाइड्रोक्साइड यही बेस्रु से बाहरी कार्बोनेट आयन को लेकिन कौन एसीड अच्छी से लास्ट क्लास में कही मन पड़े तो यहाँ गोटे विक् एसीड बोली कही थी कार्बोनिक एसीड एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसीड अच्छा तालोले यहीटा है आम स्ट्रंग बेस किंतु एटा हला हमरो वीक एसिड तो बेस्टा स्ट्रांग रहिला तारे जो सॉल्ट आसीबो एटा को सॉल्ट आसीबो एटा टिके बेसिक नेचर रहिबो हला त माने यार पीएच टा 7 अधिक रहै बुझि पालो कंपाना एटी बेस स्ट्रांग रहउची आ एसिड टा वीक रहउची आ गोटे एग्जांपल थिला लास्ट एग्जांपल सेटा देखिबा अमोनियम क्लोराइड अच्छा अमोनियम क्लोराइड देखिया कोन होउची अमोनियम क्लोराइड माने NH4Cl अमोनियम आयन होउची NH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सीएल एथेर किए किए रही एन एच फोर प्लस ता सहित क्लोराइड मान सीएल माइनस तो एन एच फोर प्लस को लेकिन बेस आम कौन होमोनियम हाइड्रोक्साइड आउ क्लोराइड एसीड हम एच सी एल अच्छा तो एच सी एल टा है स्ट्रंग एसीड ये जाना अच्छे आमको जो एन एच फोर ओ एच रहा से आम गोटे विक् बेस फर्स्ट क्लास रु कही जोटा आमर फास्ट दुटा ग्रुप एलिमेंट जोड़ा अच्छी कैल्शियम मैग्नीशियम पोटासीयम सोडियम से मानकर बेस्टा हम स्ट्रंग बेस बाकी सब बेस गुड़ाक हम विक् बेस तो यहाँ विक् बेस है स्ट्रंग एसिड तो यूँ जो सल्ट आसो से कौन हम को नेचर ना जेहेतु एसीडटा स्ट्रंग रहा यहाँ टी एसीडिक नेचर हम आ यार पीएचटा कौन हम सेवेन रु कम हम तो एमती तुम सब चेक कर पार कि आमर जो सल्ट आम आसा एसीड होना एसीडिक नेचर होना बेसिक नेचर हो तो एवं तुम्हें गोटे होमवर्क मुझे देवी कि ये गोटे सल्टर एग्जाम्पल मुझे सोडियम एसीटेट तो तुम्हें मत कह कि सोडियम एसीटेट रेचरटा एसीडिक हो बेसिक हो न्यूट्रल होता तुम्हें होमवर्क रहा समस्त करके यूट्यूब्रे कमेंट सेक्शन में कह ना बेटर हम जब मतलब टेलीग्राम आंसर दौ ओके तो टेलीग्राम आंसर देद आम अधिक डिस्कसन भी करा बेटर हम अच्छा तो ये सल्ट विषय समस्त क्लीयर होगा आउ खाली गोटे जिनस मुझे कहबी क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट माने गोटे गोटे सॉल्ट रो दीटा फॉर्म थाए गोटे नॉर्मल फॉर्म थाए मैं जमी तुम घर देखु आउ गोटे फॉर्म थाए क्रिस्टल फॉर्म तो कौन डिफरेन्सटा ना जोटा नॉर्मल फॉर्म से तार मानते तुम्हें जब फॉर्मूला देखो गोटे सिंपल फॉर्मूला थी फॉर एग्जांपल गोटे सॉल्ट मुझे नौ कॉपर सल्फेट है यार फर्मूला कौन हम कॉपर सल्फेट मैंने सी यू एसओ फोर यहाँ है नॉर्मल फर्मूला किंतु जदि क्रिस्टल नहीं जीवी ताहले ता फर्मूला एमती लिखाई थी सी यू एसओ फोर डॉट डॉट फाइव एच टू तमें कौन ना ये क्रिस्टल बनई से कौन हो प्रत्येक मॉलिक्यूल रे पांचटा वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होकर अच्छा तो सहीटा कह जाए क्रिस्टल मुझे तुमको चित्र भी देखे पारि देख कॉपर सल्फेट जब नॉर्मल कॉपर सल्फेट ना से कमी देखा थोड़ा पूरा पाउडर भाया अच्छा ये जान तो कॉपर सल्फेट कलर टा ब्लू होता है बोली बोधे पूर्व चैप्टर भी पढ़ी पढ़ी कि ना मन पड़नी
मन रख दियो कॉपर सल्फेट रो कलर टा होची ब्लू आ जे तुम प्लस 2 साइंस नउ छ केमिस्ट्री एई एक्सपेरिमेंट पूरा करियो जो क्रिस्टल केनी बनय बढ़िया मजा आसे एक्सपेरिमेंट रे पिठा बनेला लागे एटा हला तो एट बहुत मजा आसे तो एटी कोन करबो ना तुमको कॉपर सल्फेट रो पूरा पाउडर दिया हबो सीएस ऊपर पूरा पाउडर फॉर्म नथियो ब्लू कलर थियो तमे सेतरो क्रिस्टल बनेबो क्रिस्टल टा केमते देखाबे तुम पई गो गूगल इमेज करिक रखिस देखो हाँ देख ये देखुच एटा कौन पूरा पाउडर फॉर्म रे अच्छे एटा पूरा देख स्टोन भाई देखा ना नहीं पूरा चक चक करना ना तो यही कहते क्रिस्टल आ जोड़ा नॉर्मल पाउडर फॉर्म रे थी सेटाको आम नॉर्मल तो यही जो जिनसा रहा यार जब पचरा फर्मूला कौन तुम यहाँ कह कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ओडिया रे कहले स्फटिक ओडिया रे कहले सेटा कहते स्फटिक तो यार फर्मूला जो ये चित्रटा तुमको देखे तार फर्मूला हूँ COSO4.5H2 मैंने से वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो रही प्रत्येक मॉलिक्यूल में नॉर्मलटा एमती नॉर्मल रही है। अच्छा तुमको पचार हाब कि जो क्रिस्टल रोचे तो वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो मैंने कौन से ओदा रही मैंने से आक्वियस सॉल्यूशन रोज ना ओदा रमी किसी भी नहीं वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो मैंने नुह कि ओदा हो तुम देख पड़ते हो चित्र ये कौन पा पा मिसी है देख ल ये चित्र पा मिसी ना पा मिसार ना से वाटर मॉलिक्यूल से गोटे क्रिस्टल फॉर्म में रही थोड़ा स्फटिक आकार रही थो सेमती आहुरी बहुत सारा एग्जांपल भी अच्छी किसी सॉल्ट एमती स्फटिक फॉर्म थाए तो मुझे तुमको बुक रे देखे पारि कड़े गला गोटे थी हाँ ये देख ये गोटे एग्जांपल अच्छी आमर कॉपर सल्फेट रो तो देख पार्छ 5H2 कनेक्ट हो ठीक सेमती ये देख ये सोडियम कार्बोनेट ये भी गोटे सल्ट रहा तो सोडियम कार्बोनेट रे 10 वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होती था तार क्रिस्टल रे ठीक अच्छे आउ गोटे एग्जांपल भी सेमती देखा हाँ कैल्शियम सल्फेट रे कौन ना दुईटा वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होती था गोटे जो गरम करदे सी मैंने जो दुईटा वाटर मॉलिक्यूल थी से हाफ वाटर मॉलिक्यूल हो जोटा कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोली भी कही तो एमती खाली मन रख कि कौ सॉल्ट रे केतेटा वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गोटे क्रिस्टल बनई था इतनी खाली टी मन रखा आज ए शॉर्ट क्वेश्चन तो आज आम जी पढ़ले से एमती क्वेश्चन आसपे कि आमर जो प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया रहा सेटा कौन क्वेश्चन लिखी दौची प्रशमनीकरण बाय इंग्लिश रे कहले न्यूट्रलाइजेशन से एग्जाम माने एटा कौन न्यूट्रलाइजेशन 2 मार्क क्वेश्चन आसपे विथ एग्जांपल किंबा एमती भी क्वेश्चन आसपे कि ए एसिडटा ए बेस सांगर मिसले कौन हुए गोटे एसिड दे दी सेटा गोटे बेस सांगर मिसई थी पचार थी कि यहाँ कौन हम आउ कौन आसपे ना गोटे सल्ट एटा 2 मार्क भी आसपे से ही सल्टा एसिडिक और बेसिक सेटा भी पचार पड़े तो ये टाइप क्वेश्चन आसपे टी प्राक्ट करते जो क्वेश्चन पचारे सेटार आंसर मत दब नेक्स्ट क्लास में कौन करवा ना एसिड बेस को टाइप रिएक्शन सब करते आज तो हमें गोटे रिएक्शन पढ़ले कि एसिड जब बेस सांगे रिएक्शन कला तो कौन रिएक्शन हम सेटा रिएक्शन गोटे रिएक्शन पढ़ले नेक्स्ट क्लास में अलग अलग ये आहुरी बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा।